नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के सबसे लेटेस्ट स्ट्रेंड ओमिक्रॉन के बारे में। दोस्तों, ओमिक्रॉन के बारे में बात करना और समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी इसको डिटेक्ट हुए सिर्फ और सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। कई देशों की सरकारें पैनिक मोड में आ गई हैं, कई देशों ने इंटरनेशनल फ्लाइट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और ये सिर्फ 12 दिनों में करीब करीब 2 दर्जन से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। तो क्या है ओमिक्रॉन, वेरिएंट्स और म्यूटेशन क्या होता है, ओमिक्रॉन से जुड़े हुए सिम्टम्स क्या हैं, इसके इफेक्ट क्या हैं और इससे सावधानियां हमको क्या क्या बरतनी है, इसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ओमिक्रॉन के वेरिएंट क्या है? वेरिएंट जो नाम हम लोग सुन रहे हैं आजकल, अक्सर टीवी में देख रहे हैं, तो ये वायरस का वेरिएंट का मतलब क्या होता है? आप अगर ध्यान करिए, जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, एक बॉल होती है और उसके ऊपर कांटे जैसे निकले होते हैं जिसको कि हम स्पाइक्स कहते हैं। इन स्पाइक्स पे क्या होता है, डीएनए और आरएनए फिक्स होते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। तो बहुत ज़्यादा डीप साइंस में अगर ना जाएं तो हम सिर्फ इतना समझें कि ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये वायरस का एक तरीके से एड्रेस होता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट उसको समझ पाते हैं, उसके बिहेवियर और उसके नेचर के बारे में समझते हैं और उसी के हिसाब से वैक्सीन या ड्रग्स या जो भी दवाइयाँ डेवलप करते हैं साइंटिस्ट, वो उसी के हिसाब से करते हैं। अभी वायरस भी बहुत स्मार्ट होता है तो ये क्या करता है, अपना जो सीक्वेंस होता है डीएनए और आरएनए का, इसको टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, जिससे कि साइंटिस्ट लोग इसको ज़्यादा से पहचान ना पाएं। ये अपना रूप चेंज करता रहता है ताकि इसके ऊपर जो दवाइयाँ असर कर रही हैं अभी वो बाद में बेअसर हो जाएँ। तो यही जो चेंज होता है बार बार डीएनए और आरएनए का, इसको म्यूटेशन कहते हैं। जब वायरस बार बार म्यूटेट होता है, तो जो उसका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है उससे काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, इसी को हम नया वेरिएंट कहते हैं। ये ओमिक्रॉन जो है ये 5th वेरिएंट है जो कि जिसको कि WHO ने वायरस ऑफ या वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया है। अभी तक सिर्फ 5 ही वायरस ऐसे हुए जिनको कि WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ये ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन क्यों इतना खतरनाक है, क्यों इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं, क्यों इसको सोच के दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके बारे में आज हम सबको समझेंगे। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है वो ये है कि ये वायरस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा है। जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, अभी तक इसमें 32 से भी ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वाले वायरस में या डेल्टा वाले वेरिएंट में सिर्फ 5 बार म्यूटेशन हुए थे। तो सोचिए, ये 5 बार म्यूटेशन में जब इतना ज़्यादा इफेक्टिव था तो ये 32 बार जब म्यूटेशन हो चुके हैं तो कितनी जल्दी जल्दी रूप बदल रहा है। साइंटिस्ट इसके बारे में, इसके नेचर और बिहेवियर के बारे में पता लगाते हैं, जब तक तब तक ये अपना रूप बदल लेता है। दूसरा, ये जो वायरस चिंता का विषय है ये इसलिए है कि ये ट्रांसमिसिबिलिटी या एक से दूसरे को संक्रमित करने की जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। एक स्टडी बताती है कि जो डेल्टा वायरस था उससे 5 से 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये स्प्रेड करता है। मतलब अगर डेल्टा वायरस या पुराने वायरस अगर 100 लोगों को संक्रमित करने में 7 दिन लगा रहे थे तो ये उतने ही 100 लोगों को संक्रमित करने में सिर्फ 1 दिन लगाएगा। इसीलिए बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। इसका जो ओरिजिन हुआ है वो साउथ अफ्रीका से हुआ था। 24 नवंबर को ये सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था और 26 नवंबर को WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था। वायरस की जो स्टडीज़, जिसको वायरोलॉजी कहते हैं, वो बताती है कि जो वायरस जितना ज़्यादा तेज़ फैलता है वो उतना ही कम डेडली होता है। ये एक तरीके से गुड न्यूज़ ही है हम लोगों के लिए कि फैल तो बहुत तेज़ी से है लेकिन ये घातक या फैटल बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा क्या है कि ये जो नॉर्मल हमारे टेस्ट होते हैं इसी में इससे पकड़ में आ सकता है, इसके लिए किसी नेट टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, अगर बात करें कि कितना घातक है, तो जो अभी तक के बहुत ज़्यादा डेटा तो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी अभी तक जिन कंट्रीज़ में ये फैल रहा है वहाँ से डेटा आए हैं, वो बताते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूर बढ़ा है लेकिन अभी डेथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इसका मतलब कि ये फैलेगा तो बहुत तेज़ी से लेकिन शायद जान या माल को बहुत ज़्यादा खतरा ना हो, शायद ये बहुत ज़्यादा घातक ना हो। और इसके लिए नॉर्मल टेस्ट जो हमारे कोविड के टेस्ट होते हैं, स्वाब, नेजल स्वाब और ओरल स्वाब, उसी से ये डिटेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि ओमिक्रॉन ही वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है, एक जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, जैसे कि वायरस टेस्टिंग हो गई उसके बाद एक जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। उस सीक्वेंसिंग में पता चलता है
कि जो व्यक्ति है वो डेल्टा वायरस से संक्रमित है या ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित है। तो कई देशों की सरकारों ने जीनोम सिक्वेंसिंग की अपनी रफ्तार को भी बढ़ा दिया है, जिससे कि ये पता चले कि ये ओमिक्रॉन वायरस जो है ये तेजी से फैल रहा है या बाकी सब वायरस से मिक्स होकर फैल रहा है। इसके बाद आते हैं ओमिक्रॉन वायरस के लक्षण। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेटा तो अभी हम लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन जो भी कंट्रीज जहाँ से अभी डेटा आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि जैसे कि डेल्टा वायरस सिर्फ लंग्स पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, ये जो वायरस है ओमिक्रॉन ये पूरी बॉडी पे असर कर रहा है, पूरी बॉडी इससे अफेक्टेड होती है। दूसरा, मसल पेन या मांसपेशियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, थकान बहुत ज़्यादा होती है, हल्की खांसी भी इसका एक सिम्टम है, और जो इसमें फीवर आता है वो लो ग्रेड फीवर होता है। लो ग्रेड मतलब बुखार बहुत हाई राइज नहीं जाता है, हल्का बुखार रहता है। तो ये हो गए इसके सिम्टम्स की बात। अब हम अगर बात करें सावधानियों की, तो सावधानी के लिए वही नॉर्मल प्रोटोकॉल जो होता है कोविड का, कि हम लोगों को अगर ये भगवान ना करे ये हमारे देश में आए, लेकिन अगर ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, अगर हमारे आसपास ये आना शुरू हो जाता है, तो जो नॉर्मल कोविड प्रोटोकॉल होता है जैसे कि हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, दो गज की दूरी, इन्हीं सब चीज़ों से हम इससे बच सकते हैं। बाकी अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन को लगवा लेना भी, जिन लोगों ने लगवाई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लगे हैं तो फिर ये वायरस असर नहीं करेगा, ये इफेक्ट कर सकता है, लेकिन उसका जो असर होगा हमारी बॉडी पे वो कम होगा। तो इसलिए अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवा लीजिए। और इस जो वायरस है इससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सावधानी और जानकारी ही हमारा सबसे अच्छा बचाव है। अगर हम जानकार रहेंगे और अपने आप को सावधान रखेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो पैनिक होने की या घबराने की या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने वीडियो को सिर्फ इस बात के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये देश, अपने देश में ये वायरस एंटर ना हो, जहाँ पे अभी स्प्रेड कर रहा है वहाँ से भी डाउन हो जाए और पूरी दुनिया एक बार फिर से स्वस्थ और खुशहाल हो जाए, कोरोना वायरस जैसी चीज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार।